आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.3 है ये। जो अगला सवाल है उसमें है 2 by x + 1 by y = 1, इसी तरीके से 60 by x + 40 by y = 19। तो इसमें हमें करना क्या है, जो 1 by x है उसको हम रख देंगे u, और जो 1 by y है उसको रख देंगे हम v। तो यहां पर हो जाएगा ये 2u, ये 1 by x हो जाएगा u, 2u 5y + 5y = 1, इसमें हो जाएगा 60u + 40v = 19। अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर हम इसको, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम बनेगा, या हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को तो भी बन जाएगा। दोनों ही तरीके, अगर हम चाहे तो इसको केवल 40 से मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाएगा हमारे, ऊपर वाला ये हो जाएगा 60u + 40 नहीं 8 से सॉरी 8 16u + 80v = 8, और फिर सबट्रैक्ट कर देंगे इसको। ये वाला भी तरीका ठीक है। तो इसमें जब हम इसको करेंगे 60 से और इसको करेंगे 2 से तो ये ऐसी इक्वेशन आएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 300 - 80 होता है 220, और 60 - 38 होता है 22, तो वी हो जाएगा 22 by 220 यानी कि 101/10। अब ये जो v है 1/10, इसको अगर हम इस किसी भी इक्वेशन में इसमें इसमें डाल दें तो आपको u मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू आई है ये आपका v जो है वो आपने माना था 1 by y, क्योंकि v 1 by y माना था, और u आपने माना था 1 by x, तो इसका मतलब y कितना हो गया यहाँ पर 10, y आपका 10 हो गया, और x कितना हो गया आपका, x हो गया आपका 4, 1/4 है ना, 1 by जो 1 by माना था उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/5x + 1/6y। अब इसमें एक्स वाई तो नीचे है डिनोमिनेटर में है, साथ में आपके साथ ये वैल्यूज भी हैं, तो इसका तरीका कुछ इस तरीके से है कि उसको यू भी चलने चलने दीजिए, जैसे ये है u/5 होगा प्लस v/6 होगा, इसी तरीके से ये u/3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 3u/7। तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या होगा 5 6 30 तो 6u आ जाएगा, ऐसे 6 5 30 5u आ जाएगा, और 12 × 30 करेंगे तो 360 आ जाएगा। ऐसे u/3 - 3v/7 = 8 है, तो आप इस पूरे को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो आपका 3 7 7u आ जाएगा, 7 3 21 3 3 9 9v हो जाएगा, और 21 × 8 168 हो जाएगा। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन अगर आपको करना है तो आप एक काम करिए, जो पहली वाली इक्वेशन है इस वाले को पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 से पूरे को और यहाँ 9 से पूरे को, क्यों, यहाँ 5 9 = 45 हो जाएगा, यहाँ 5 9 = 45 हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 45 45 आ गया यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल, 54 + 35 होता है 89, 3 2 40 + 8 40 होता है 4 0 8 0, यू को लिखेंगे 4 0 8 0 by 89। अब इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में, जो आप पहले आपने देखा इस किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें या इसमें, जैसे हम डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये संख्या हम यू से तब्दील कर रहे हैं, फिर आपका वी आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू आई है उसको उलट दीजिए, ये 89 by 4 0 8 0 आपका एक्स हो जाएगा, और 89 by 1 512 आपका वाई हो जाएगा। ये जो इस इक्वेशन है इसमें भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, 1/x + y को आप यू मानिए, 1/x - y को आप वी मानिए, यानी कि ये अब क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन के अंदर दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो दो दो चीज सॉल्व होगी इसमें। तो आप जैसे ही इसको यू बोलेंगे ये हो जाएगा 6u, क्योंकि 1/x + y आपने यू माना है, ये 7v + 3, ये हो जाएगा u/2 और ये हो जाएगा v/3, तो u/2 = v/3 में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और 3u = 2v यानी कि 3u - 2v = 0, और जब आप पहली इक्वेशन में रखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो 6u = 7v + 3, इन दोनों को इधर ले जा लीजिए, 6u - 7v = 3। अब क्या करिए, यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे तो, या तो आप सीधा एक काम कर सकते हैं, आप सीधा ये ना u को 2v/3 रख सकते हैं, अगर ये रख देंगे तो बहुत आसान रहेगा, चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे आप इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि ये वाली इक्वेशन में हमारा 6u है 7v है, यहाँ पर हमारे पास 2v है, तो हो सकता है कि आप
इसको करना चाहें तो यहाँ पर आप 2 से कर दीजिए, इस वाले को आप 7 से कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। या और भी तरीके हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहें इसको, लेकिन फिलहाल मैं आपको u इक्वल टू 2v/3 अगर हम रखें और इस वाली इक्वेशन में रखना चाहें तो आप देखेंगे क्या सोल्यूशन आएगा, क्योंकि हमारे पास जो तरीका इन्होंने अपनाया है वैसे हम इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, u इक्वल टू -2/3 आ गया, ये मैं मान रहा हूं कि आप या तो इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे, u इक्वल टू 2v/3 डाल देंगे या फिर इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हैं, है ना। और इसको इस तरीके से क्यों किया हुआ इसका मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, ये जो 6u-3 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपका 2 से, क्यों, क्योंकि हम 6 लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और यहां से केवल 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, आप 2 से कर दीजिए, तो 6u-7v इसको केवल 2 से कर दीजिए, इसको 1 से कर दीजिए, ऐसे समझिए। तो 6u-7v = 3, 6u-4v = 0, एक तरीका ये भी है, इसको भी अपना सकते थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको साइन चेंज कर देते, माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7-4-3 हो जाएगा -3v = 3, तो v आपका -1 आ जाएगा यहाँ पे, -3/3 -1। ऐसे अब जो आपका 3u-2v वाला था उसमें v की जगह ये रख दीजिए, तो आपके पास u आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए, आपने 1/x + y को माना था u, तो u की जगह -2/3 रख दीजिए, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 3/2 होगा, -3/2 हो गया। वी आपने माना था -1 और वी क्या था, 1/x - y, इसको -1 मान लीजिए, यानी इसको पहले जाइए, x - y आपका -1 हो जाएगा, तो आपका x + y = -3/2 और x - y आपका हो जाएगा -1, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x = -3/2 और -1, मतलब 3/2 + 1 है बेसिकली, -1 लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 5/2, 2 इधर ले जाइए तो x हो जाएगा आपका -5/4। अब इस x को किसी में भी, इसमें या इसमें उठा के रख दीजिए, ये वाले में आपका y आ जाएगा -1/4, ऐसे सॉल्व होगा ये इक्वेशन। सॉल्व होनी है कैसे होगी ये, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, पहले समझिए कि आप एक्स वाई को इधर ले जा लीजिए और फाइव को इधर ले जा लीजिए, पहले तो नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं इसको, अभी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 6x + 6y, अब पूरे को xy से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6/y और ये हो जाएगा 6/x, ओके। दूसरे वाले को करते हैं, ये हो जाएगा xy - xy। अब इसमें एक बड़ी अलग सी बात हो रही है, यहां पर xy है और ये आपका y - x जो है वो नीचे है, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा y - x नीचे है, तो xy हो जाएगा 6y - x, यानी 6y - 6x, राइट। इससे क्या मिला, अब भी इसको भी xy से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो हो जाएगा 1 = 6x - 6y। अब आप देखिए यहां पर आपके पास क्या है, 5 = 6y, 6y को यहां लिख देंगे 6y और यहां पर 6x, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, आपका 6x + 6x हो जाएगा 2 × 6x, यानी कि 2 × 6x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 + 1 = 6, 6 कैंसिल, x आपका 2 आ गया। इस x = 2 में 2 को आप इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, इस वाले में, तो आपका y आपका 3 आ जाएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ये है, आप क्योंकि हो क्या रहा है इसमें कि आपको ये डिवाइड करने की आवश्यकता पड़नी ही चाहिए, ये तो मैंने आपको तरीका बताया जो हमने पहले सीखा था, लेकिन इसमें खास बात यह है इस इक्वेशन में, जैसे हमारा 5xy = 6x + 6y आ गया और xy = 6y - 6x आ गया, हम देख पा रहे हैं कि 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसे ऐड कर दें, यही काम किया है इन्होंने, 6xy + 6xy ऐड किया तो 6y + 6y यानी कि 12y आ गया, यहां से y कैंसिल, सीधी सी बात है कि x = 2 आ जाएगा। इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, बात एक ही है, फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों में किसी में भी आप x की वैल्यू 2 तब्दील कर दीजिए, y आपकी 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 1/x + y को u मान लीजिए, 1/x - y को v मान लीजिए, जैसे हमने पहले किया था। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनेगी, u और v इसमें सॉल्व करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तारीख कारण ये है, ये 14 बनेगा, ये 14 बनेगा और दोनों यहाँ पर कट जाएंगे अगर हम ऐड करेंगे, तो v 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको ये v को 1 रखिए तो आपको u मिल जाएगा। तो u और v हमारे पास जब आता है तो उसके बाद हम देखिए, हमने ये मेन चीज हमारी ये है कि हमने u को 1/x + y माना है और v को हमने 1/x - y माना है,
चूंकि हमारे जो पहली इक्वेशन है वो ये बन रही है और x माइनस वाई इक्वल टू वन, मतलब ये जो थी 15, वन बाय एक्स प्लस वाई आपका u है, वन बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी है, तो एक इक्वेशन आपकी तो ये बनी है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनी। अब इन दोनों को जब वैल्यूज आपके आ जाए, जैसे v इक्वल टू वन आपका आया है ना, अब हम कहते हैं कि चलिए इसमें डाल दें v इक्वल टू वन, तो 5u माइनस टू v इक्वल टू वन है इक्वल टू माइनस वन, तो 5u कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस वन है, तो ये माइनस टू यहाँ जाएगा प्लस टू हो जाएगा तो आपका वन आएगा, तो u आपका हो जाएगा वन बाय फाइव, ठीक ये वन बाय फाइव हो गया। तो v आपने माना क्या था, u एक्स प्लस वाई वन बाय एक्स प्लस वाई आपने u माना था, u कितना आया वन बाय फाइव, तो फाइव इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। इसी तरीके से v आपने वन माना था, v क्या है वन बाय एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा वन, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, x आपका थ्री आ रहा है यहाँ पर, इस x इक्वल टू थ्री को इसमें रख दीजिए किसी में भी, इसमें थ्री कर दीजिए, तो y हो जाएगा थ्री, फाइव माइनस थ्री मतलब टू, y इक्वल आपका टू आ जाएगा, ये तरीका है इसका। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, वन बाय एक्स प्लस वाई को यू मान लीजिए, वन बाय एक्स माइनस वाई को वी मान लीजिए, यहाँ इक्वेशन बनेगी, यू और वी सॉल्व करिए, जब यू और वी आ जाए फाइनली यू को आप वन प्लस एक्स प्लस वाई और वी को वन बाय एक्स माइनस वाई, एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी, ये आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, जोड़ दीजिए तो टू एक्स आपका फाइव आ जाएगा, एक्स आपका टू बाय फाइव, एक्स को किसी में भी रख दीजिए, इसमें इसमें आपका वाई वाई आ जाएगा। तो ऐसे काफ़ी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसको बढ़ा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये वाली इक्वेशन है आपके पास वन बाय एक्स प्लस टू वाई, इस बार क्या करेंगे, वन बाय एक्स प्लस टू वाई जो है इसको वन बाय एक्स प्लस टू वाई को आप यू मानेंगे, और वन बाय आपका थ्री एक्स माइनस टू वाई इसको हम वी मानेंगे, राइट, ये जो आपका टू है ना यहाँ पर टू वाई, या आप इसको ऐसे मान के चलिए, फिलहाल हम इसको एक्स प्लस वाई मान लेते हैं और इसको एक्स माइनस वन। देखिए ये दोनों ही तरीके में बता देता हूँ आपको, क्योंकि सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि हम वन बाय एक्स प्लस वाई और वन बाय एक्स माइनस वाई लेके ही चल रहे हैं, तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं। अभी आप क्या करेंगे इसको कि एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस ये इसको इसको रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक, मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। पहले क्या है कि वन बाय एक्स प्लस वाई को यू मान लीजिए, वन बाय एक्स माइनस वाई को वी मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा यू बाई टू प्लस फाइव बाय थ्री वी इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, पहली इक्वेशन, फिर फाइव बाय फोर यू माइनस थ्री बाय आपका थ्री वी बाय फाइव इक्वल टू सिक्सटी वन, ये सिक्सटी है, सिक्सटी वन बाई सिक्सटी, ये सिक्सटी है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मैं फेरबदल कर रहा हूँ, है ना, सिक्सटी बाय थ्री, सिक्सटी वन बाई सिक्सटी है। अब क्या करिए, ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ये इक्वेशन आपके पास आ गई, इसमें यू और वी आप निकाल लीजिए, यू और वी आपको जब निकलेंगे तो यू आपका आ रहा है और वी आपके पास आ रहा है, यू जो है वो वन बाय एक्स प्लस वाई है और वी आपका वन बाय एक्स माइनस वाई है, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है, एक इक्वेशन ये बन जाती है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आती है ना, वन बाय टू और फाइव बाय फोर। अब बात यह है कि हम जब ये वाली सिचुएशन करेंगे, देखिए दोनों ही दो तरीके हैं इसके, हाफ और फाइव बाय फोर बताया ना मैंने, तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, अब आप मान लीजिए वन बाय, कुछ तब्दील नहीं होना है, कुछ चेंज नहीं होना है, आप अब वन बाय, अब जो मैंने ये किया था ना इसी को शुरू, इसी को मान लीजिए, पहली चीज हो गई, ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अगर बाई चांस बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वन बाय एक्स प्लस टू वाई को अब आप मानिए यू, और वन बाय थ्री एक्स माइनस टू वाई को मानिए आप वाई, यू हो गया वी, वी मानिए। तो जब ये हो जाएगा, जब आप ये सब कर लेंगे, सेम इक्वेशन बनेगी, सेम सोल्यूशन आएगा, बस यहां पर जब आप रखेंगे तो यू को क्या रखेंगे, यू को आप रखेंगे वन बाय एक्स प्लस वाई, नहीं वन बाय एक्स प्लस टू वाई, और यू कितना था, यू आपका वन बाय थ्री आया, तो वन बाय थ्री होगा, ये यू वन बाय थ्री आया ना, ये हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस टू वाई, और वी कितना आया आपका, जो वी, वी वाली संख्या आई है आपकी, उसको आप किसके सहारे, किसके बराबर करेंगे वी को, ये वाला वन बाय थ्री एक्स माइनस टू वाई, ठीक, वो यहां पर हो रखा है। देखिए आप, ये थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन है, और आपका एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री है, तो मैंने दोनों तरीके बताए, चाहे आपका वन बाय एक्स प्लस वाई है तो इस जगह आके फर्क फेर बदल होगा, जैसे हमने यहां पर क्या किया, ये आपका एक्स प्लस टू वाई, टू वाई हमने कहा, ये एक्स प्लस टू वाई है, हमने कहा ये वन बाय थ्री एक्स माइनस टू वाई है, ठीक,
तो दोनों ही तरीके, चाहे आपका 1/x + y हो चाहे 1/x + 2y हो, इट डजेंट मैटर, आपको u और v मानना है। और फाइनली जब u और v आए तो आपको इसको किसके साथ मैच कराना है, ये आपको -1 है, तो इसके v इक्वल टू -1 है। तो अब ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x + 2y = 3, पहली इक्वेशन ही आ गई, और ये होगी दूसरी इक्वेशन आ गई 3x - 2y = -1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। बाई चांस यहाँ पर 1/x + y होता तो भी आप यही कर रहे होते, 1/x + y को आप 1/3 मान रहे होते तो x + y = 3 हो जाता। ऐसे 1/x - y को अगर आप -1 मान रहे तो x - y = -1 हो जाता। इसको इसको ऐड कर दीजिए, 2x आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा 1 इस केस में, अगर 1/x + y है तो, और x = 1 इधर पे डाल दीजिए तो y कितना आ जाएगा 3 - 1 2, तो y = 2। अगर 1/x + y है तो ये आंसर आएगा, 1/x + 2y है तो ये वाला आंसर आएगा जो इसमें दिया हो। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, x + y = 5xy, 3x + 2y = 13xy। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आप आपका तरीका ये है कि आप चाहे तो एक्स वाई से डिवाइड कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमको वाई दिख रहा है, यहाँ पर 2y दिख रहा है, इस पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये पहले नीचे वाले को लिख रहा हूँ 3x + 2y = 13xy। अब ये जो ऊपर ऊपर वाला है इसको नीचे लिखूंगा मैं 2x, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y = 5 - 10xy। अब सबको माइनस कर दीजिए, माइनस 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 सब माइनस हो जाएंगे, तो 3x - x क्या हो जाएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा 2x - 2y, और 13 - 10 आपका हो जाएगा 3xy। एक्स एक्स कैंसिल, 3y = 1, यानी कि y = 1/3, ये आपका आ गया। अब ये किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, यहां पर डाल दीजिए, किसी दोनों में भी y = 1/3 है ना। चलिए पहले मैं डाल देता हूं, मैं x + 1/3 = 5 × x + 1/3 है ना, क्योंकि हमारा y आया है। अब हम क्या करेंगे, इस x को एक साथ ले लेंगे, y को एक साथ ले लेंगे, तो इसको यहां कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा आपका 5x, x कॉमन ले लीजिए, 5/3 - 1, ऐसे यहां पर 1 लाया ना, तो उसको जब सॉल्व करेंगे x आपका हाफ आ जाएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि यहां पर ये 5/3 - 1 होता है 2/3, और ये 3/3 कैंसिल, x आपका 1/2 आ रहा है, 2 इस तरफ नीचे आ जाएगा। अब अगला जो सवाल है उसमें x + y = 6/5, एक ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है xy / y - x = 6। तो अगर इसको किया जाए तो यहाँ 5 के साथ xy आ जाएगा यहाँ पर, और 6 के साथ 6x और 6y, यानी कि 5xy = 6x + 6y। यहाँ पर आप देखें तो 6 के साथ 6y - 6x हो जाएगा, 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, xy यहाँ रहेगा, तो 6y - 6x, और यह है 6x + 6y = 5y। तो जरा 6y को इधर ले आते हैं, 6x को इधर कर लेते हैं, तो ये बनेगा 6y + 6x, और ये आपका 5xy, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6y 6y यहां पर आ जाएगा 12y, और ये है 5 + 1 6y 6xy, y y कैंसिल, x हो जाएगा 12/6, जो कि आएगा 6 × 12 2 आ जाएगा। x जो आएगा इसको किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें, किसी में भी तब्दील कर दीजिए, इसमें या इसमें, फर्स्ट और सेकंड में, आपका y जो है 3 आ जाएगा। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करना है, सिस्टम में इक्वेशन आपको दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 2 × 3 यानी कि 6u, 2 × v यानी कि ये 2v - 2v, 5uv है आपका, इसी तरीके से 2u + 6v = 5uv। अब यहां तक ठीक है, ये दोनों चीज आ गई, यानी कि एक ये हो गया एक ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां देखिए 6v दिख रहा है, यहां प्लस में है, और यहां पर अगर माइनस में हमें 6v मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को। ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये आपने किताब में देखा होगा, लेकिन आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ये है कि सारे टर्म मल्टीप्लाई होंगे। तो अब अगर इसको देखें तो 6 × 3 = 18, 18u, और फिर उसके साथ ये -2 × 3 - 6v, और ये 5 × 3 = 15uv आ गया, बाकी नीचे वाला तो ऐसे रख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 18 + 2 आपका हो जाएगा 20u, और ये होगा 15uv + 5uv यानी कि 20uv।
यू का कर दीजिए, वी आ जाएगा आपका 20, ये भी 20, ये भी 20, यानी 2021, वी आपका 1 हो जाएगा, 20/20 इज 1, वी 1 आ जाएगा। इस किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, चाहे आप पहले में रखें, चाहे आप इस वाले में रख दीजिए, आपका यू जो है वो 2 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब ये देखिए कि यहां पर आपका 3x+2 आया है, तो यहां पर भी 3x+2 आया है, 3x-2 आया है तो 3x-2 आया है, यानी कि हम दो लेवल पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1/3x+2y है इक्वल को, इसको आप u ले लीजिए, 1/3x-2y को आप v ले लीजिए। ध्यान रखिए कि ये जो यू वी लिया है इसको अगर आप p और q भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल वेरिएबल्स है, u और v ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ट्रिवियली हम लेते हैं इसलिए हम ले रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे हम इसको यू वी ले लेंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 2u+3v इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 17/5, और दूसरी है 5u+v इक्वल टू 2। तो अब एक काम करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा, 15u, ये आपका 15u, ये 15u हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू वी मतलब 3v, और ये हो जाएगा आपका 3 2 6। तो अब देखिए जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 15u-2u होगा, 3v-3v होगा, 0 हो जाएगा, और 6 -17/5, जिसका मतलब आप इसको प्लस ले लीजिए, ओके। और ये जो आपका बना है इसको भी आप प्लस ले लीजिए, ऐसा बन रहा है इक्वेशन, इस तरीके से बन रही है, ठीक। तो अब हमारा सही बन गया, क्योंकि हम आराम से इसको माइनस कर सकते हैं, और 3v आपका क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5u-2v होगा, और उसके बाद 3 2 6 6 -17/5, अगर इक्वेशन में मैंने जो फेरबदल किए उस हिसाब से चले तो 15 -2u आपका 13u होगा, 6 -17/5 यानी कि 30 -17/5 यानी कि 13/5, 3u आपका 13/5, 13 कैंसिल, u आपका आ गया 1/5। अब u आपका 1/5 है तो v क्या आएगा, किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, ये सबसे इजी इक्वेशन है, इस पर रख दीजिए, v आपका 1 आ जाएगा। अब u जो है वो आपने माना था 1/3x+2y, v आपने माना था 1/3x-2y, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह 1/5 रख दीजिए तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसकी जगह आप 1 रख देंगे तो ये इक्वेशन बन गई, यानी कि 3x+2y मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, 3x+2y इक्वल टू 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x 6x हो जाएगा, 5+1 6 हो जाएगा, तो x आपका 1 आ जाएगा। इस x इक्वल टू 1 को आप या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, ये ज्यादा इक्वेशन ईजी लग रही है, इसमें रख दीजिए तो आपके पास 3x आपका आया है 5, x आपका है 1, -2y इक्वल टू 1, तो -2y को, ये 2y को यहां रख दीजिए, इस तरफ ले जाते हैं, 3 × 1 = 2, तो आपका y हो जाएगा 1, 2/2 = 1, तो y 1 आ गया, ऐसे आएगा। दो लेवल पे करना पड़ेगा बस इसको, थोड़ा सा इसमें मैंने तब्दीली की है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब 44/x+y + 36/x-y, इसमें भी वैसे करना है, ये x plus y को, 1/x+y को u ले लीजिए, 1/x-y को v ले लीजिए, तो ये इक्वेशन बनेगी 44u+36v इक्वल टू आपका जो इक्वेशन आ रही है, और 55 आपका u, तो इसको इसमें थोड़ा सा एक फेरबदल मैं करना चाहूंगा, ये आपका 10, हाँ, तो अब क्या हो गया, 55 into u प्लस आपका आएगा 40u, ये भी प्लस है, 40u = 30, यहां तक ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसको 4 से देखिए, अब तरीका यह है कि थोड़े बड़े नंबर आप है ना, अब क्या कर सकते हैं हम कि अगर हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, यही काम हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि 30 × 4 = 120 और 40 × 30 = 120, हमें वो चीज मिल गई जो हम चाहते थे ताकि हम कैंसिल कर सके। अगर 40 करेंगे तो ये नंबर बड़े हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन वगैरह में बड़ा नंबर माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने 40 और 30 ना करके 4 और 3 किया, यानी कि ये भी तरीका है। तो इससे 120 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 176 - 175 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 40 - 39, 176 - 165 आपका कितना होता है, ये तो 1 है, ये होता है 11 u इक्वल टू आपका आएगा 1, u आ गया आपका 1/11। अब इस u को उठा के इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका v आ जाएगा, तो v और u आपका आ गया, v आपका आपका कितना आ गया, देखिए 30, तो 6 6/30 होगा, यानी कि 1/5 5 6 30, तो 1/5 आ गया, 1/11 आ गया। अब इसको u को बराबर कर दीजिए 1+x x+y, आपका u कितना आया था 1/11, तो x+y हो गया 11,
दूसरा आया था 1 बाय एक्स माइनस वाई, वी माना था, ये आपका 1 बाय फाइव आया, यानी कि एक्स माइनस वाई आपका फाइव हो गया। अब एक्स प्लस वाई फाइव वाई इक्वल टू इलेवन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इलेवन और एक्स माइनस वाई आपका हो गया पाँच। जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा आपका सिक्सटीन, एक्स हो जाएगा आपका आठ, इसमें डाल दीजिए एक्स, एक्स यहाँ पर आठ डाल दीजिए तो आठ वाई आपका आ जाएगा तीन, तो एक्स आठ वाई तीन, थोड़ा सा इसमें फेरबदल की, ये दस है ये प्लस है। इसमें जो अगली इक्वेशन है वो है 10 बाय एक्स प्लस वाई प्लस टू बाय एक्स माइनस वाई, तो इसमें करना कुछ नहीं है, 1 बाय एक्स प्लस वाई को हम p ले लेंगे, 1 बाय एक्स माइनस वाई को हम q ले लेंगे, क्योंकि इस बार हम u और v नहीं ले रहे, p और q ले लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू माइनस 2। अब करना क्या है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 50p, 50p प्लस 10q इक्वल टू 5 फोर जो 20, और ये हो जाएगा 15 इंटू टू 30p माइनस 10q इक्वल टू माइनस 4। जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, ये 80p है, ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इज 16, तो p हो जाएगा आपका 16 बाय 80 यानी कि 1 बाय 5। p क्या माना था आपने, 1 बाय x प्लस वाई, 1 बाय x प्लस वाई कितना हो गया 1 बाय 5, यानी कि एक इक्वेशन आ गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये हो गई। अब ये p इक्वल टू 1 बाय 5 है, जरा इसमें किसी में डाल दीजिए, इसमें डाल देते हैं, तो 10 इंटू p, p कितना है 1 बाय 5 प्लस 2q इक्वल टू 4, ये 5 टू से 10, 2 को इधर ले जाएंगे, 4 माइनस 2 इज 2, तो 2q इक्वल टू 2 यानी q इक्वल टू 1 आ गया, q इक्वल टू 1 माना मतलब ये इक्वल टू 1 हो गया आपका ना, इसका मतलब x माइनस वाई कितना हो गया 1। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन थी, दोनों को जोड़ दीजिए 2x हो जाएगा 6, x हो जाएगा आपका 3, और y कितना हो जाएगा किसी में भी रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए तो y आपका आ जाएगा 2, तो x 3 y 2 ऐसा आएगा। अगला इक्वेशन है 7x minus 2y by xy equal to 5, 8x plus 7y by xy equal to 15। अब इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा अलग अलग कर दीजिए, जैसे इसको हमने क्या किया, इसको लिया 7x by xy, इसके नीचे xy और minus 2y by xy equal to 5, तो ये x x कैंसिल, ये हो जाएगा 7 by y माइनस टू बाय वाई बाय कैंसिल, टू बाय एक्स इक्वल टू फाइव, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनेगी, एट एक्स बाय एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, एट बाय वाई, सेवन बाय एक्स वाई यानी कि वाई बाय कैंसिल सेवन बाय एक्स, ऐसे 15 यहाँ पर आएगा। अब देखिए 1 बाय एक्स को पी ले लीजिए, 1 बाय क्यू, 1 बाय वाई को क्यू ले लीजिए, तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, ये आपकी बनेगी, आपने क्या लिया है, क्यू लिया है 1 बाय वाई, तो ये आपका 7 क्यू माइनस 2, 1 बाय एक्स है आपका पी, तो माइनस 2 पी, 2p प्लस 7q इक्वल टू 5, थोड़ा सा हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। उसके बाद 7 ये आपका क्या हो गया, इसको क्या कर दीजिए 5 को इधर ले आइए, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता लेकिन ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 या 4 जो भी नंबर देना दे दीजिए आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला है, तो 7p 8 को इधर ले आएंगे, 8 बाय वाई यानी कि 8q माइनस 15 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन आ गई आपकी, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी इसको छोड़ता हूँ, मैं यहीं पे इसको इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि माइनस टू पी प्लस 7q माइनस 5 का टू 0 और 7p प्लस 8q माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आप जब यहाँ पर p लेंगे, ठीक, जब p लेंगे तो आप करेंगे 7 इंटू 15, यानी कि 7 इंटू 15 मतलब माइनस 15, देखिए इसको तरीका बता देता हूँ, जब p निकालना है तो 7 इंटू माइनस 15 कितना आएगा माइनस 105, माइनस 5 इंटू 8 कितना आ गया माइनस ऑफ, मतलब क्योंकि माइनस 5 इंटू 8 होता है माइनस 40, तो माइनस करना है आपको, यानी कि 7 इंटू माइनस 15 माइनस ऑफ, माइनस करना है 8 इंटू माइनस 5 माइनस 40 होगी। जब आप q की बात करेंगे तो q वाली चीज को छोड़ देंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 15 हो जाएगा आपका माइनस 30, ऐसे आपका 7 इंटू माइनस 5 होगा माइनस 35, तो माइनस 30 माइनस 35। इसी तरीके से आप जब ये करेंगे, ये वाला लेंगे तो यहाँ पर माइनस टू इंटू एट यानी कि माइनस 16, ऐसे 7 7 49 माइनस 79, ये तरीका होता है। अब इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करें तो ऐसे आएगा, तो ऐसे करते हैं कि इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को चलने देते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफी कर चुके हैं, बहुत सारे अभी हमने कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं। तो पी बाय इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 65, क्यू बाय आपका माइनस 30 माइनस 65 कितना होता है माइनस 65, और माइनस 1 बाय माइनस, ये भी आपका माइनस 16 और माइनस 49 माइनस 65 होता है। तो आप देखिए, अगर हम करेंगे p बाय माइनस 65 इक्वल टू माइनस 1 बाय माइनस 65, 1 बाय माइनस 65,
तो पी कितना आएगा, वन, है ना। इसको करेंगे ये वाले क्यू को, क्यू बाय माइनस 65 इक्वल टू वन बाय माइनस 65, तो क्यू भी ये दोनों कैंसिल, क्यू आपका वन। यहाँ पर आप अगर आप ये वैल्यू इनमें रख के देख ले तो आपको यही ये सेटिस्फाई करेंगे। अब पी को माना था वन बाय एक्स, क्यू को माना था वन बाय वाई, ये भी वन बाय एक्स है, ये वन बाय वाई है, यानी एक्स भी वन वाई भी वन, ऐसे आएगा आपका। तो ये मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसको जो हमने मेथड किया था वो उससे करिएगा, या इसको मल्टीप्लाई करिएगा 7 से, इसको मल्टीप्लाई करिएगा माइनस 2 से, आपका सेम आंसर आएगा। अब आपके पास थोड़ी सी बड़े नंबर की इक्वेशन है, इसमें कुछ नंबर बड़े हैं, लेकिन इसमें देखिए कुछ चीजें बहुत सिमिलर हैं। जैसे हम 152x और -370x इनको अगर जोड़ दें, केवल अगर इन इक्वेशन को हम जोड़ने की कोशिश करें तो आप देखो अब आपको क्या मिलने वाला है। देखिए 152x माइनस 378x क्या होता है, माइनस 226। इसी तरीके से 152 माइनस 378 क्या होता है, 226। ऐसे 604 को 74 से जोड़े तो कितना आएगा, यानी कि माइनस माइनस है, दोनों को माइनस मतलब जुड़ेगा ही, माइनस में आएगा। तो कहने का मतलब ये माइनस 226 माइनस 226 माइनस 678 आ गया। अब इस पूरे को माइनस 226 से डिवाइड कर दीजिए, या माइनस 226 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा 3, ये है इसका। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या बचेगा, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 152 और 378 530, ये भी 530, और यहां पर आप देखिए इसको सब्ट्रैक्ट 604 में से 74 हटाएंगे तो आपका 530 आ जाएगा। अब क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को 530 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया। ये इक्वेशन कितनी ईजी से हमने तब्दील कर दी, केवल सब्ट्रैक्ट और ऐड करके। इसका मतलब 2x इसको जोड़ेंगे ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 4, एक्स आपका 2 आ रहा है, यहाँ पर अगर आप एक्स 2 रखें तो आपका वाई आपका 1 आएगा, ये इसका सोल्यूशन है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको भी कुछ इस तरीके से करेंगे, पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, तो 101 और 99 कितना होता है, 200, 101 99 200, ये भी 200 ये भी 200, और 409 प्लस 501 कितना होता है, 1000। तो यहाँ 200x आ जाएगा, 200 वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1000। अब क्या करिए, पूरे को आप 200 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 200 कॉमन भी ले सकते हैं, तो पूरे को अगर 200 से डिवाइड कर देंगे आप तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 101 माइनस 99, 99 माइनस 101 और 501 माइनस 99, इसमें क्या होगा, ये आपका 101 माइनस 99 क्या बनेगा, 2x, ये भी 2 है माइनस 2y, और ये आपका 2, तो 2x इसमें अगर सबको डिवाइड कर दें 2 से तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा, या 2 कॉमन ले लें यहाँ से और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन, एक x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गई। देखिए कितने ईजी से हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड करके इसको ईजी बना दिया, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x आपका 6 आएगा, x आपका 3 दिख रहा है। इसी तरीके से x को यहाँ रख दीजिए 3, तो आपका वाई कितना आ जाएगा, 2, वाई आपका 2 आ जाएगा। अगला जो इक्वेशन है उसमें भी ऐसे कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम दोनों को अगर जोड़ते हैं, 23 प्लस 29 कितना होता है, 52, ये 23 प्लस 29 कितना होगा, 52, और 98 प्लस 110 होता है 208, तो 52x 52 माइनस 52 कॉमन ले लेंगे, या फिर 52x माइनस 52y इक्वल टू 208 आया है, पूरे को आप 52 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस y इक्वल टू 4 आ जाएगा, या फिर आप चाहते हैं दूसरा तरीका तो 52 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बचेगा, 208 है, यहाँ ले जाके 52 को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 29 माइनस 23 कितना होता है, 6, आपका ये भी होता है 6, 23 माइनस मतलब माइनस 23 माइनस ऑफ माइनस 29 तो माइनस 6 आएगा। यहाँ पर भी आप करेंगे तो आपका 110 में से अगर 98 घटाते हैं तो 12 आता है, तो 6x प्लस 6y इक्वल टू 12, पूरे को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ गया, तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4 आया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 आया, कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा 6, x आपका 3 आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर रख दीजिए अगर 3 तो y आपका आ जाएगा माइनस 1, ये x आपका 3, y आपका माइनस 1। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अब यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड भी है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, इन दोनों इक्वेशन से देखिए कि जेड क्या निकल के आता है, जेड होगा आपका 4 माइनस एक्स माइनस एक्स, यहाँ ले आइए और वाई को इधर ले आइए, तो जेड क्या बना, ये दूसरे इक्वेशन पे आइए, अगर आप देखें तो दूसरी इक्वेशन पे अगर आप देखें कि जेड आपको क्या मिलता है, क्योंकि आप पहले हम एक्स वाई जेड फॉर्म में तो लिख ले, तो
तो इसको पहले क्या करते हैं, एक्स को यहाँ ले आते हैं, वाई को ले आते हैं, फोर को यहाँ कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो चीज है सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन टू, कहने का तात्पर्य है ये सब्ट्रैक्टिंग नहीं है, सब्स्टिट्यूटिंग है। इसको मैं सब्स्टिट्यूटिंग कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग यानी कि आप यहां पर आइए, इस जेड की जगह पे ये चीज रख दीजिए। तो जब हम एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड जहां आएगा वहां पर ये रख देंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को क्या करें, एक्स वाई के फॉर्म में बनाए। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से रीअरेंज होगी, 3x माइनस 4y इक्वल टू 17, ये आपकी एक पहली इक्वेशन बनेगी। अब क्या करेंगे कि ये भी सब्स्टिट्यूटिंग है, हम क्या करने वाले हैं कि ये जो चीज हमने बनाई है इसको हम उठा के यहां रख देंगे इस जगह पर। तो 2x प्लस वाई प्लस 3 तक तो ठीक है, जहां z आएगा वहां पर आपको ये माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 रख देना है, तो इसे भी एक x और y इक्वेशन में हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, आपके पास ये माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू माइनस 11 बन गई, और यहां पर आपके पास है 3x माइनस 4y इक्वल टू 17। ठीक, जोड़ दीजिए, आपका 2x आ जाएगा, यहां पर आपका 17 माइनस 11 होता है 6, एक्स आपका आ रहा है 3। एक्स को इस इक्वेशन में किसी में भी रख दीजिए, आपका वाई आ जाएगा माइनस 2। अब ये एक्स 3 और 2 जो माइनस 2 आ गया है उसको इस इक्वेशन में रख दीजिए जो आपने बनाई थी, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल प्लस 4, यानी जेड हो जाएगा आपका, एक्स है आपका माइनस में रखेंगे 3, वाई आपका आया है माइनस 2 यानी कि माइनस 2 और प्लस 4, इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे जेड आपका आएगा माइनस 1। सेम सिनेरियो यहां पर भी है, ये आप देखिए इस इक्वेशन में करना क्या है, आपको सीधा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है, तो आप क्या करेंगे, z को लेंगे, बाकी सबको दाएं हाथ पे रख देंगे, 4 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको जरा x और y फॉर्म में लिख दे, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4। ठीक, ये बन गया, इसको उठा के इस जगह रख दीजिए पहले, फिर इसी को उठा के इस जगह पे रख दीजिए ताकि z एलिमिनेट हो जाए, x और y आ जाए। तो पहली इक्वेशन बनती है ये तो सीधे सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, वाई टू वाई इक्वल टू टू वाई इक्वल टू टू माइनस 4 दैट इज माइनस 2, वाई आपका माइनस 1 आना चाहिए यहाँ पे, तो आपका वाई यहाँ पर माइनस 1 आ रहा है ना, ये माइनस 2 होगा ना, वाई इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। अब क्या करिए, इसी को उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, 3 तक तो ठीक है, यहाँ पर जेड की जगह ये डाल दिया, इसको आप एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो अब आपके पास डायरेक्ट वाई इक्वल टू, ये तो माइनस 1 आ ही गया है, तो इस जगह वाई की जगह माइनस 1 रख दीजिए, तो आपका एक्स आ जाएगा 2। एक्स और वाई आ गया, उसको इसी क्वेश्चन में उठा के रख दीजिए, एक्स और वाई यानी कि जेड अब हो जाएगा आपका माइनस, अब एक्स क्या आया है 2, तो 2 प्लस वाई कितना आया है माइनस 1 और 4 कितना आ गया, ये 1 आ गया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो जेड आपका 1 आ जाएगा, तो एक्स 2 वाई माइनस 1 जेड 1। तो ये बात हुई आपके इस एक्सरसाइज की, इसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, दो वेरिएबल भी थे, तीन वेरिएबल भी लिया, अलग अलग यू और वी फॉर्म हमने देखा, इक्वेशन में इक्वेशन देखी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।